तो यार कैसे हो आप सभी। एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ स्टोरी वगैरह नहीं है, आज की वीडियो है नोवो में होने वाला हाइड एंड सीक। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा, तो एक लड़की कुछ गुंडागर्दी कर रही थी इसलिए मैंने इसको मार दिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इसमें। तो इस बात को छोड़ो, हम नोवो में करने वाले हैं भाई हाइड एंड सीक। तो आप सभी ने देख लिया होगा हमारा ट्रक भर के तैयार खड़ा है यहाँ पे बंदों का, जो कि अभी निकलेगा यहाँ से कंटेनर्स के अंदर से और सभी बंदे यहाँ पे छुप जाएंगे। तो छुप जाएंगे वो सभी, फिर मैं एक एक करके सभी बंदों को ढूंढूंगा और जो बंदा मेरे को दिख जाएगा मैं उसको मार दूंगा लास्ट में जो बंदा। तो यार अभी जो स्पेक्टेट में बंदा बैठा है ना अपना, तो वो बताता है मेरे को कि एक बंदा बंदूक बंदा उठा के और मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो उससे पहले ही मेरे को उसको ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पे छिपा बैठा था ये और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अभी हम गेम की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इन सभी बंदों को छुपा देते हैं अभी। तो गाइज मैंने सबको बोल दिया कि छुप जाओ, तो सभी बंदे, एक बंदा अभी भी कंटेनर पे घूम रहा है, उसको जगह ही नहीं मिल रही यार, पता नहीं कैसा बंदा है। तो अभी ये छुप जाएंगे, इनको मैं टाइम दे रखा है, अभी काउंटडाउन स्टार्ट है, इनको 30 सेकंड मिले हैं छुपने के लिए। तो 30 सेकंड में ये देखते हैं कहाँ कहाँ पे छुपते हैं। ये वाला कंटेनर का एरिया जो आप देख रहे हो ना वेयर हाउस तक, तो यही था इनका। अभी काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है और ये देखो इसको भाई लग जगह ही नहीं मिली है, एक घंटे से घूम रहा है कंटेनर के ऊपर, इसको एक छोटी सी जगह नहीं मिली छुपने के लिए और ऊपर से गन भी उठा रहा। तो तब तक एक बंदा के मुक्के की मारने की आवाज़ आ जाती है भाई की, बंदे को मार दिया मुक्के से। अब अरे 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 कहाँ पे ब्रो कहाँ पे, अरे भाई ये देखो एक तो टट्टी स्प्रे है भाई मेरा इतना कि एक बंदे को नहीं मार पाता मैं। दूसरा ये बाहुबली मिल गया था, बाहुबली को तो ख़त्म कर दिया मैंने। अभी किल हो चुके थे अपने 5 अभी बंदे रहते हैं 15 मेरे और इनसे, इनके मेरे टीममेट के अलावा बच गए 13। तो अभी 13 बंदे ढूंढे थे, तो अभी मेरे को फुट स्टेप्स दिखने लगे थे। तो अभी बात आई कि इतनी छोटी सी जगह में यार छुप कहाँ पे गए ये 13 बंदे। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी इन पे कंटेनर्स पे जगह थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई बंदा मिल सकता है। तो तभी मेरे को दिखती है एक लड़की नंगी जो कि कंटेनर पे चढ़ने की तैयारी में थी, लेकिन मैं देख लेता हूँ फिर मेरा वही टट्टी सप्रे उसको लगता नहीं है और वो भाग जाती है। तो उसके बाद हमारा स्पेक्टेट वाला बंदा बताता कि एक बंदा बाहर भाग गया कंटेनर से, तो उसको मैं गाड़ी गुड़ी दे के कैसे भी करके वापस बुला लेता हूँ। तो फिर एक बंदा मेरे को बताता है कि भाई कोई बंदा मेरे को मार रहा मुक्के से, तो उसने अपनी लोकेशन नहीं बताई, फिर भी मैं यहाँ पे आ गया, देखो वो बंदा मेरे को मिल भी गया। तो ये था वाइपर हेमू, तो इसको मैंने ख़त्म कर दिया। एक ये देखो यार इनके नशे हैं, इनको ये लग रहा है कि पास में एक बंदे को मार रहा हूँ मैं, फिर भी इनसे भागा नहीं जाता, पास से छुपे रहते हैं मतलब। ये देखो एक ये इस बंदे ने ना भाई इतनी चक्री कटाई यार मेरी, पूछो ही मत। आप देखो यार बस मैं बोलना नहीं चाहता कुछ भी इसको, बस गालियां देने का मन कर रहा है मेरा बहुत ही तगड़े वाला, और लेकिन क्या कर सकता हूँ यार, ये बंदा मेरे से आगे आगे भागता रहा, बस क्या बताऊँ यार मैं, देखते रहो बस। लेकिन फिर भी मैंने इसको कैसे भी करके मारा है, इसके फुट स्टेप्स तो मेरे को मिल ही रहे थे कि किस तरफ से किस तरफ भाग रहा है ये, क्योंकि सस्ते वाले हेडफोन यूज मैं करता नहीं, तो कैसे भी करके इसको मैं मार ही देता हूँ लास्ट में। तो इसके बाद हमारी वही प्रक्रिया चालू हो जाती है ढूंढने वाली। तो अभी बंदों फिर हमारा एक टीममेट होता है वो बता देता है कि यहाँ पे बंदा लेटा है, तो उसको भी मैं मार देता हूँ। ये बंदा पता नहीं क्या नशे करके बैठा था, सीधा ही बैठा था यहाँ पे, तो इस साइड भी बंदे मिल, अरे भाई मिल गया। तो मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे भी बंदा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी रैंडम आ रहा था इस साइड वैसे बंदे की चांस थे नहीं, वैसे भी 0% चांस थे कि बंदे यहाँ पे मिलेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आ गया वैसे दोबारा से जहाँ पे भी पहले मैंने बंदे मारे, एक बंदा यहाँ पे भी मिल गया मेरे को, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अपने को क्या है, अपने को बंदे मारने से मतलब था, जो कि मार दिए मैंने। तो अभी हमारे स्पेक्टेट वाले बंदे बता रहे कि क्रेन पे दो बंदे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मैं क्रेन की तरफ भाग गया भाई। तो क्रेन पे हैं 3 बंदे, एक बंदा तो पहले उतर के भाग गया, अभी एक बंदा ऊपर अभी भी है जिसको मैं अभी पकड़ूंगा, देखना। तो यार एक बंदा यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप मिला और यहाँ पे मैं मरते मरते बचाऊँ यार, अगर मैं गिर जाता तो मेरी सारी HP डाउन होती। ये जब वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे आया था ना मेरे पास, जैसे वैसे पहले मैं बता देता हूँ, डिस्कॉर्ड में आना पड़ता है यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको भी। तो ये बोल रहा था भाई किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन साले ने मेरे को ही मार दिया। तो भाई ये मेरे को मार के भाग रहा था पीछे पीछे पता नहीं कैसे करके, फिर इसने सोचा कि इसको पूरा ही खा जाता, तो ये मेरे को मार ही देता है। तो इसके बाद यार हम दोबारा से रूम बनाते हैं, उसमें रूम में आ जाते हैं, मतलब दोबारा रूम बना के सभी बंदे वहीं पे नोवो में। और मैं सभी को बता देता हूँ कि अब की बार ऐसी गड़बड़ जो करेगा ना उसको डायरेक्ट बैन कर दिया जाएगा डिस्कॉर्ड से, और आज के बाद वो किसी भी रूम में आ भी नहीं पाएगा।
अगर स्टोरी की शूट हुई तो वहाँ भी कोई नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे यार 9 में पूरी बारिश ही हो जाती है बंदों की, लेकिन बंदे थोड़े से कम ही है वैसे। तो फिर मैं उनको बुला लेता हूँ यहाँ पे एक जगह पे, तो ये सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर इनको बोलता हूँ जितनी जो भी लूट है ना सारी चीज़ें ड्रॉप कर दो, नहीं तो मुक्के मार मार के मोर बना दूंगा। तो ये सारे बंदे अपनी अपनी लूट को जितने जिनके पास जो भी होती है तो इनको ड्रॉप कर देते हैं। फिर इनको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे कहाँ तक छुपना है सबको। तो फिर अभी मैंने बोल दिया इनको कि नंगा होके छुप जाओ कहीं पे भी, ये अपने अपने कपड़े ड्रॉप करके भाग जाते हैं। फिर अचानक से एक चीज़ दिखती है मेरे को कि हैकर है रूम में। तो भाई ये देखो, अभी आपने देखा होगा पूरी फास्ट स्पीड में भाग रहा है यार, ये पता नहीं कैसे क्या कर रहा है। लेकिन मेरे को डर इस बात का था कि कहीं ये मेरे को ही ना मार दे। तो फिर भी जैसे तैसे मैं इनको टाइम देता हूँ कि इतने टाइम के अंदर अंदर भाई तुम छुप जाओ और फिर मैं आ जाऊँगा। तो काउंटडाउन फिर स्टार्ट होता है, ख़त्म हो गया। तो मैं अभी काउंटडाउन ख़त्म हो गया तो एक बंदा मेरे को दिखता है कि कुछ गलीच वलीच हो रखा है इसके साथ। तो मैं इसके पास भाग लेता हूँ भाई कि कहीं ये भाग ना ले, लेकिन इसको भागने से पहले ही मैं मार देता हूँ। ये वही बंदा है जो पिछले रूम में मेरा टीममेट था। ये देखना, ये देखो क्या नशे हैं भाई, सस्ते नशे देखो तुम पबजी के। ये बंदा यहीं पे खड़ा खड़ा भाग रहा है, लेकिन इसकी पिंग वगैरह कुछ नहीं आई थी कि ये यहीं पे अटका पड़ा था बस, पिंग वगैरह कुछ हाई नहीं थी इसकी। एक बंदा ये देखो मेरे आगे आगे छुपा, इसको ये पता है कि मैं पीछे पीछे हूँ फिर भी यहाँ पे। तो मैंने इसका दरवाज़ा तो रोक दिया, मतलब दरवाज़ा क्या, वो फिर भी भाग लेता है यार। ये क्या मतलब कुछ सेंस नहीं है यार, मेरे को खेलना ही नहीं आता इतना। ये देखो फिर भी मैं डिप्पी से मार ही देता हूँ इसको। नोट पासवर्ड का पता नहीं, नाम भी पता नहीं यार, कैसे कैसे रख लेते कौन से नशस्ते नशे करके। फिर मैं यहाँ पे भाग लेता हूँ और मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आ जाती है कि यहाँ पे एक दो बंदे कहीं पर छुप के बैठे हैं। तो फिर एक मैंने सोचा कि नेड मार देते हैं यहाँ पे, हो सकते हैं। तो जैसे पिछले रूम में छुप के बैठे, तो मैं मार देता हूँ एक तीर से दो निशाने। भाई दो बंदे यहाँ पे चक्री खा जाते हैं कि बंदे मार, नेड कहाँ से आ गया यार, मर गए हम तो। तो फिर इनको भागने का चांस मिलता ही नहीं। तो फिर मैं इनको इमोट वगैरह करके थोड़ा सा मज़े ले लेता हूँ, फिर हमारा वही काम ढूंढने वाला। तो यहाँ पे फिर से मैं इस साइड आ जाता हूँ कोने में कि कौन से कंटेनर में ही मिल जाए यार कोई बंदा छुपा हुआ। तो अभी यहाँ पे आया था मैं, और ये देखो दो जमूरे यहाँ पे बैठे थे आराम से, ये देख रहे थे कि यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, लेकिन इनको क्या पता था मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो नीचे भी देख रहे थे अगर कोई हो तो नहीं। तो यार इसके बाद मेरे को फिर से फुटस्टेप सुनाई देने लगे एक बंदे के, जो कि मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। तो मैंने एक जंप वगैरह वगैरह लगा लू के देखा कि वो वहीं पे जहाँ पे अभी मैंने बंदे मारे ना उसी साइड जा रहा था। तो मैंने भी उसको जाने दिया, देखते हैं कहाँ पे छुपता जाके। और मैं भी उसके पीछे पीछे जाके छुप गया, कि मतलब छुप गया क्या, मारने के चला गया उसको। तो इस बंदे ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ कि यहाँ पे इसने मार दिया तो दोबारा ये आएगा नहीं, लेकिन भाई तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ मैं। तो ऐसे करके वो भी बेचारा मौत के घाट उतर गया। तो यहाँ पे जोन में बेचारे ये लास्ट बंदा एक, ये तो हिले सबसे अच्छा बंदा भाई ये लगा मेरे को पूरे गेम में आज, अनमोल जाट नाम का बंदा ये। बेचारा मेरे को दिख गया ना तो हिला भी नहीं, बस ऐसे बंदे ही चाहिए यार सूट में। अगर आपको भी ऐसे फन रूम में आना है तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे फटाफट से ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर से अभी एक दिक्कत वो भी आ गई थी यार कि यहाँ पे जोन वगैरह आ गया था तो मेरी हेल्थ बहुत ही कम हो रही थी। मेरे पास एक टिक्का सा पड़ा था, बस वही लगाया मैंने। तो फिर से मैं लग गया यहाँ पे ढूंढने, लेकिन कोई मिल तो रहा ही नहीं था। तो फिर क्या था, बस इधर उधर, फिर दिखता है एक बंदा ये, जिसकी थोड़ा सा दिख रहा था मेरे को, लेकिन इसको ये नहीं लगा कि मेरे को ये दिख गया। फिर भी ये यहाँ पे खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि भाई इसको दिखा या नहीं दिखा। तो आप कमेंट में बताना कि इसको दिखा या नहीं दिखा, दिखा दिखा क्या दिखा, छोड़ो यार। तो भाई यहाँ पे ट्रक वगैरह में सोच रहा था मैं कि यहाँ पे लट्टा बट्टा होगा कोई पीछे, तो यहाँ पे भी कोई नहीं मिला मेरे को, कोई नहीं। फिर हम निराश नहीं होते यार, चलो ढूंढते रहो। बस एक चार बंदे रह गए थे, चौथा मैं था, तो मेरे अलावा तीन बंदे और थे। तो उन तीनों में से देखते हैं कौन बचता है और कौन विनर होता है आज के इस मैच का। तो अभी मेरे को एक बंदे ने यहाँ पे ना गोली चला दी, तो पता चल गया मेरे को कि यहाँ पे आसपास है कोई। तो मैंने भी नाटक सा किया कि अरे देख, इस बंदे ने भाई मेरे को मुक्का मारने की कोशिश की। तो इसका इंजाम हमने पता है क्या किया, इसको डिस्कॉर्ड से हटा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये वापस आ गया, तो ये बोला भाई सॉरी एक बार मौका दे दो। तो मैंने सोचा चलो यार छोड़ो। तो
और बाकी काम जोन ने कर दिया भाई। जोन ने दो बंदों को मार दिया, एक विनर था लास्ट का एब्यूजर नाम का, तो आज के मैच के विनर थे वो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर चेकआउट करना। और इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर लेना यार, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, अगर आपको भी ऐसे ऐसे गेम प्ले और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्कॉर्ड में आ जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। I'm rich, I'm rich, I'm rich.